मणिपुर के थौबल में भारतीय सेना के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर का 8 मार्च को उनके घर से अपहरण कर लिया गया था। अधिकारियों को असामाजिक तत्वों द्वारा जेसीओ के अपहरण की सूचना मिली थी और ऐसे में अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जेसीओ को बदमाशों के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जेसीओ की पहचान चरणपत ममांग लेईकाई निवासी कोनसम खेड़ा सिंह के रूप में हुई है। वो 8 मार्च को छुट्टी पर थे, इसी दौरान सुबह 9 बजे करीब कुछ अज्ञात बदमाश उनके घर में घुस गए और उन्हें एक कार में लेकर अपने साथ फरार हो गए। वहीं अब जानकारी आ रही है कि सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप 8 मार्च 2024 को शाम 6:30 बजे जेसीओ को सुरक्षित बचा लिया गया। जेसीओ वर्तमान में थौबल जिले के वाईखोंग पुलिस स्टेशन में है। मणिपुर पुलिस घटना की जाँच कर रही है। अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि कोनसम खेड़ा से अपहरण करने वाले लोग पैसे ऐंठना चाहते थे क्योंकि उनके परिवार को पहले भी ऐसी धमकियां मिल चुकी थी। हालांकि अभी जेसीओ के अपहरण की वजह का खुलासा नहीं हुआ। पिछले साल मई में भड़की जातीय हिंसा के बाद से ये इस तरह की चौथी घटना है। बता दें कि सितंबर 2023 में असम रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक सर्टो थामथांग का घाटी से एक अज्ञात सशस्त्र ग्रुप ने अपहरण कर लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं इसके बाद अज्ञात बदमाशों ने चुराचांदपुर से लीमा खोंगा के बीच एसयूवी में यात्रा कर रहे 4 लोगों का अपहरण कर लिया था और उनकी भी हत्या कर दी गई थी। ये चारों लोग जम्मू कश्मीर में सेवारत भारतीय सेना के एक जवान के परिवार के सदस्य थे। वहीं 27 फरवरी को मणिपुर पुलिस के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के घर पर हमला कर दिया गया था। एएसपी के घर पर हमला करने वाले हमलावरों की पहचान कट्टरपंथी मैतई समुदाय के आरामबाई तेंगोल के रूप में हुई थी। अब अगर देखा जाए तो पिछले साल से ही मणिपुर में बवाल चल रहा और उसके पीछे की वजह ये है कि पिछले साल 3 मई को मैतई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद भड़की जाति हिंसा के बाद से मणिपुर में 180 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर की आबादी में मैतई लोगों की संख्या लगभग 53% है और वो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं 40% हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं। और ऐसे में मणिपुर में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिलती है। हालांकि इस बार जिस तरह से सेना ने जेसीओ को बचाया उसकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।